वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो 551 पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन में तकरीबन 3% तक गिरावट भी देखने को मिली थी 23rd ऑफ सेप्टेम्बर के दिन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल नंबर्स देख के जाए तो मार्केट कैप जो है 4,91,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो 12.1 का है। बुक वैल्यू रुपीज़ 342 करोड़ का सॉरी बुक वैल्यू रुपीज़ 342 का है। डिविडेंड ऑफर देता है स्टॉक, डिविडेंड यील्ड भी 1.29% का है। आरओसी जो है स्टेट बैंक का 4.44% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का है और फेस वैल्यू ₹1 का है। कंपनी के जो सेल्स है 2,97,000 करोड़ के है। प्रॉफिट जो है कंपनी को 40,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिला है और जो ईपीएस है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मीन्स अच्छा खासा ईपीएस है 39 रुपीज़ का है। तो देखा जाए तो देख सकते हैं कि कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के ऊपर ध्यान डालेंगे कंपनी के। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक ही पॉइंट है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में। नेगेटिव बात की जाए तो नेगेटिव में भी देख सकते हैं कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही लो है। कंपनी ने पोअर सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है पिछले 3 सालों से आप पे कम है पर नेगेटिव नहीं है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम दिखाई दिया है। कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है कंपनी के वो 2,20,000 के ऊपर है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट और आधा इनकम जो है कंपनी को 1,00,000 करोड़ के ऊपर है जो कि कंपनी के इनकम से ज़्यादा है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए।